हिमाचल कांग्रेस 2 जुलाई तक किसान बागवानों को जागरूक करने का अभियान चलाएगी। इस दौरान सांकेतिक प्रदर्शन से लेकर चक्का जाम भी किया जा सकता है। ये जानकारी हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं किन्नौर प्रभारी केहर सिंह खाची ने रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों की समस्याओं को समय पर नहीं सुलझाती तो एक बड़ा आंदोलन होगा। हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं किन्नौर प्रभारी केहर सिंह खाची ने रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसान बागवानों को इस वर्ष ओलावृष्टि और तूफान से हुई नुकसान की भरपाई करने के लिए गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि सेब सीजन आने वाला है, कार्टन का बंदोबस्त नहीं हुआ, जबकि बागवानी मंत्री कार्टन पुराने दाम पर उपलब्ध करवाने का बागवानों को झांसा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री ने कार्टन की जगह क्रेट मुहैया करवाने की हामी भरी है, लेकिन जमीन पर अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। केहर सिंह खाची ने बताया कि ओलावृष्टि और तूफान से हुए नुकसान के आंकलन के लिए सरकार को सर्वदलीय कमेटी का गठन करना चाहिए। खाची ने कहा कि हालात को देखते हुए सरकार को सेब का समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए ताकि कोरोना काल में इसका लाभ आम लोगों को मिले। किसानों और बागवानों के साथ है और हमारा भाजपा सरकार से यही अनुरोध रहेगा कि कार्टन के रेट जो पिछले वर्ष थे, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह जी ने कहा कि उसी रेट पर दिए जाए जो बागवानों को, तो मैं समझता हूँ कि उसी रेट पर बागवान और किसानों को कार्टन मिलना चाहिए। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो क्रिएटों की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये बहुत असंभव है क्योंकि समय सेब सीजन के लिए बहुत थोड़ा रह गया है और इतनी क्रिएटें उपलब्ध करवाना ये किसी के बस की बात नहीं है। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेषज्ञ नेगी की रिपोर्ट।